भी हमारा होने लगा है अभी शूट और हम लेट हुए हैं, पता है किसकी वजह से? तारी है। कह रहे हैं तरतीब से आना है। लग गई, लग गई, लग गई, सबको लग गई। आगे वाले भी जर रहे हैं। आप करो 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 करो। हम जो है तैयार होने के लिए जा रहे हैं और यहाँ ये बेचारा बीमार है, दिखाओ बीमार बिल्ले। बूबू इधर देखो, बूबू डरा हुआ है। बूबू बेचारा जो है ना बहुत बीमार है। सुनो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी ये वाला मेरा दुपट्टा पीको नहीं हुआ तो इसको पीको भी कराना है। बहुत सारे काम है यार इवेंट पे जो है ना, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई काम ना हो, खैर से बस सब कुछ हो जाए। एक और डिजास्टर हो गया भाई हमारे साथ, शॉप ही बंद हो गई, क्लिनिक ही बंद है। अब हम बेचारे को कहाँ लेके जाएंगे, इतना सुस्त हुआ है ना बेचारा बेचारा बेचारा। सबने दुआ करनी है ईबू के लिए, ईबू जल्दी से ठीक हो जाए वरना ईबू के हिस्से का चिकन हमें किसी और को खिलाना पड़ेगा। तो यार सैलून आ गई हूँ मैं और ये मेरी साड़ी है जो मैं आज पहन रही हूँ। तो इसका जो सारा होगा ना डिटेल्स वगैरह वो आपको इंस्टा पे भी देखने को मिलेंगी और मैं यहाँ पे भी जो है मेंशन कर दूँगी। तो बहुत प्यारी ये साड़ी है, ठीक है, इसका वर्क देख लें, ये भी थोड़ी सी हो रही है, इसे पहनेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसका पेटीकोट है और ये इसका प्लेन ब्लाउज़। तो बस अभी हम तैयार होंगे और उसके बाद जो है मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो ईशा के सैलून पे आई हूँ मैं, अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है पर आपको आगे मेरी तैयारी और सब कुछ देखने को मिलेगा तो आपने पूरा ब्लॉग देखना है और हमें दुआओं में याद रखना है। बस अब हमारा मेकअप वगैरह स्टार्ट करते हैं, अब फिर मिलते हैं। तो ये मैंने येलो कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं अपनी ड्रेस के साथ। मेरा मेकअप जो है हो चुका है और अब जो है बस मैं फाइनल अपने बाल बनवाऊंगी, टचअप वगैरह कराऊंगी, उसके बाद आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है आज, माशाल्लाह देखें, ठीक है। बस मेरा हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट डन है ना, बस हाँ ब्रेड टाइप कुछ करना है। तो बस फाइनल लुक मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ही देर में। अच्छी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे बताना है। ठीक है फ़ोटोज़ से ना, मुझे मेन अभी फ़ोटोज़ चाहिए। तो यार हमारी लोकेशन पे आया, आउटडोर तो अब नहीं हो सकता लेकिन इंडोर हम लोग करेंगे और बड़ी प्यारी लोकेशन है हमारी इंडोर, तो हमें शूट कराएगा। तो यहाँ हमारे पास एक वो जगह है और एक ये वाला रूम है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है इनका एम्बियंस वगैरह सब कुछ, कोजी सा इंटीरियर और सब कुछ है। तो एक ही रूम है, एक वो दूसरा है, अब हम देखते हैं हमारे शूट के लिए कौन सा ज़्यादा ठीक है। ये फ्लैटीज़ है और इट्स कॉल्ड गाइस ये जगह, तो ये देख लें कुछ अच्छा सा बना लें, मतलब कुछ बहुत मज़े का। अभी हमारा होने लगा है अभी शूट और हम लेट हुए हैं, पता है किसकी वजह से? हाँ, बिल्कुल इनकी वजह से हमारा आउटडोर मेरा घर इनकी वजह से हमारा आउटडोर शूट नहीं हुआ। और कब निकली हूँ हमारे शूट का टाइम था 1 बजे और हम जो आए। अच्छा ये देखिए मेरी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आप सबने मुझे बताना है आपको कैसा लगा। और मेरी ज्वेलरी यार ये बहुत प्यारी मतलब है और बिल्कुल रियल। So I'm in love with everything, the makeup, the jewelry, and the dress. ये देखें अभी सुल्तान का शूट हो रहा है और इसके बाद मेरा सोलो होगा, फिर हमारा कपल शूट होगा। और मुझे यार इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, शुक्र है मैं आज बच गई हूँ। मैंने कहा बस अब शूट नहीं हो रहा ना, मैं जा रही हूँ घर। फिर हम अचानक हमने सोचा चलो बिलाल भाई आ गए तो हम चले जाते हैं। तो बस हमारा भी फाइनल चल रहा है, वो स्टेयर के पास बनाते हैं एक वो वाले स्टेयर के पास। वॉशरूम भी इनके इतने अच्छे लग रहे हैं, वाह वेरी नाइस, इतना कोजी है ना, इतना कोजी मज़ेदार लग रहा है, वाह। हाय गाइस इट्स मी अगेन। बस हमारा शूट हो गया और हम अभी जा रहे हैं, हाथ दे देना मुझे। यस वाई वाई आर यू एंग्री बॉय, यू नो व्हाई।
तो बहुत हमारा अच्छा शूट रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी सर्विसेज थी, बार बार इन्होंने हमारा ख्याल भी किया, सो बहुत बेस्ट है। तो है कौन? और मुझे भी इतनी जल्दी थी, मैंने बिलाल भाई को बोला कि भाई मुझे अभी अभी जो है कोई पिक्चर दें ताकि मैं लगाऊं। अच्छा भाई अपना बताएं ज़रा इन्फॉर्मेशन वगैरह, मैंने क्या बताया अकाउंट का? मेरा अकाउंट है बिलाल फोटोग्राफी 7 ठीक है, के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट और मैं अभी आया हूँ, ये लोग लेट आए हैं, ये बताना चाहते हैं ये बताना तो बस अभी हम जो जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बस अभी बाय गाइस, वहाँ जाके मिलते हैं आपको। टारी है बनाने दो ना व्लॉग, तो ये यार यहाँ पे ये मेहंदी लेके आ रहे मेरे लिए, मायो सॉरी मायो जाओ। तो यार अभी यहाँ पे जो है, हेलो बोले बिलाल भाई, हेलो, आपके भाई तो है ही नहीं, वो खड़े हैं। सिटी बजाए ऊंची वाली, काम भी जल्दी होगा। हाथ पे लगाए तेल भी था, तेल भी हवा पड़ा हुआ, तेल कहाँ लगाते हैं? इतनी मुझे ये लाइट्स पसंद है ना, ओह सोनू के लिए ऐसे ही ओके बाजी शाम वाले अले और ना चलेंगे, एक एक हाथ पे दोनों हाथ। हाँ ओके बेटा, अच्छा आ जाए आ जाए। हाँ बस ज्यादा ज्यादा उपटन लगाओ यार, बोलो भी सही, जो आए बातें भी करें हमारे साथ, हाँ बाद में धोना भी अरे ओके गुड गाइस, तुम रेडी तो पैसे लग रहे, ओ शिट लग गई सबको लग गई, आगे वाले भी जर रहे हैं भाई, 500 वाला बचा लेना बस, सारी 10 गई, सारी 10 गई। ये सब कुछ दोनों को लगाना है हाथ पर, फादी ऐसे बैठे जैसे दूल्हा वो ऐसे शर्मा के मेरे भाई दाल लगा, अब तेल लगा सर पर, माँ जी माता जी थोड़ा सा पूछो मम्मा खा रहा। तो यार बस घर आ गए हैं हम, और खैर से हमारा इवेंट बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने दुआओं में हमें याद रखना है, बहुत सारा प्यार देना है हमें। बस इसके साथ मैं ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, हालत आप खुद ही देख सकते हैं, आंखें मेरी काली हो चुकी हैं इस टाइम, और बाकी जो है इंस्टा पर आपको रील्स फोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दुआओं में याद रखना है, बाय बाय।